ये तो आ गया यार, ये तो कितना पीछा करेगा भाई। माफ कर दे यार, अब नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ड्राइवर खुद अपने गांव में नहीं आएगा, जाने दे हमें यहाँ से। तो हाय गाइस, क्या हाल है आप सबका। आप सबका स्वागत है GTA 5 की एक और नई वीडियो में। वैसे भी गाइस, आज ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई है GTA 5 में, तो बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज हम तीनों, मैं, माइकल और ट्रेवर, हम तीनों एडवेंचर पर जाने वाले हैं माउंट चिलियर्ड साइड पर, क्योंकि वहाँ पर ट्रेवर का गाँव है। और कल हम लोग, ट्रेवर, मैं और माइकल बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल पर, तब बताया था ट्रेवर ने कि उसके गाँव में कुछ भूत प्रेत का साया है जिसे हम सिलेंडर मैन बोलते हैं, हम क्या सभी लोग वहाँ पर बोलते हैं। तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, फिर मैं माइकल को पिक करने जाऊँगा, फिर वहाँ से हम लोग ड्राइवर को पिक करने जाएंगे, फिर हम तीनों सीधे ड्राइवर के गांव की तरफ निकल पड़ेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई भूत वूत है सिलेंडर मैन करके फालतू में ऐसी बना रखा है, फिर भी मैं ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ जिसमें मैं भाग सकूँ। क्या पता यार सच में कोई भूत वूत निकला है, हमें क्या पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यहाँ पर। ड्राइवर ने बताया तो शायद हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं कुछ पैंट्स भी चेंज कर लेता हूँ, ये लोवर ठीक रहेगा, ये सही लोवर है, यहाँ से चलते हैं अब हम। ये सही है, कपड़े एकदम फिट है, इसमें मैं आराम से भाग भी पाऊँगा, बहुत कंफर्टेबल फील करूँगा। चलो यार मैं चलता हूँ यहाँ से। अब पहले, सबसे पहले माइकल के घर जाना है, फिर ड्राइवर को लेने जाना है। तो मैं ऊपर की साइड तो आ चुका हूँ, ये गैरेज कैसे खुला पड़ा है, इसे अंदर कर देता हूँ मैं अपनी बाइक को। बहुत महंगी बाइक खरीद के लाया हूँ मैं कल ही, मैं इसे अंदर कर देता हूँ कहीं कोई निकालता बने। चलो फिर मैं चलता हूँ, मैं ये गाड़ी ले चलता हूँ क्योंकि ड्राइवर माइकल दोनों ही बैठेंगे, वो अपनी गाड़ी से तो जाएंगे ही नहीं, मेरी गाड़ी से चलेंगे। तो मैं इसमें बैठता हूँ, जल्दी से माइकल के घर की तरफ निकलता हूँ, फिर देखते हैं यार क्या ही सीन हो रखा है। मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है वैसे अभी, पर हाँ ठीक है, अभी लगता तो नहीं है कोई वहाँ सिलेंडर मैन करके होगा, पर फिर भी देख लेते हैं। अगर होगा तो मैंने गन्स भी रख लिया अपनी आराम से, क्योंकि भाई वैसे भूत है, कुछ असर तो होने वाला है नहीं अगर उस पर गन्स भी मारेंगे तो। बस अपनी कार ख़राब ना हो जाए, पर मुझे नहीं लगता मेरी कार वहाँ पर ख़राब होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो वाइट कलर था गाड़ी का और मैंने इसे फुल मॉडिफाई करवा चुका है। इसके टायर भी देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, और मैंने पेट्रोल भी एकदम फुल करवा रखे, तो कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। पर अगर बाय चांस वहाँ पे हमारी कार ख़राब हो जाती है तो हमें वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ड्राइवर बता रहा था कि सिलेंडरमैन वहाँ पर रात तक रहता है, और जो जो इंसान या तो बाहर से आता है या गांव का ही कोई इंसान हो, अगर उसके हाथ लग जाता है तो वो उसे जान से मार डालता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान सिलेंडरमैन को चकमा देकर या उससे बचकर सिटी की तरफ आ जाता है, अगर वो सिटी में कदम रख देता है, तो सिलेंडरमैन उसका पीछा करना छोड़ देता है। सिलेंडरमैन लोगों को तब तक मारता है जब तक वो इंसान गांव में है, वो भी रात में। वो दिन में किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जैसी रात होती है लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, गाड़ियाँ एकदम बंद हो जाती हैं वहाँ से चलना वलना इसलिए। और हम लोग शाम के टाइम ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से ड्राइवर का घर। बस मैं अब यहाँ से माइकल के घर पहुँचने वाला हूँ। यार पता नहीं क्या ही सीन हो रखा है, मुझे तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। वैसे मैं वहाँ पर अकेले तो बिल्कुल नहीं जा सकता, मेरे साथ माइकल रहे या फिर ड्राइवर रहे। वैसे माइकल के साथ भी हम दोनों अकेले नहीं जा सकते, अगर ड्राइवर है तो हमें एकदम सही लगेगा, क्योंकि ड्राइवर एकदम, आप लोगों को पता ही है कितना सनकी टाइप है, तो उसे ले जाना सही है एकदम। चलो मैं माइकल के घर तक पहुँच चुका हूँ, माइकल ये खड़ा हुआ है, मैं इससे बात कर लेता हूँ ज़रा कि क्या सीन है। तो ओके, मेरी यहाँ पे माइकल से पूरी तरह से बात हो चुकी है। माइकल कह रहा है मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है फ्रैंकलिन, एकदम तेरी तरह जैसे तू कांप रहा है वैसे मैं कांप रहा हूँ। पर मैंने उससे बोला ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइकल कहने लग गया कि नहीं यार, ड्राइवर ने मेरे से पता नहीं क्यों हम लोगों को ये बात करी कल रात, और हम लोगों ने एकदम से प्लान भी बना लिया। पर मैंने कहा कोई नहीं, चिंता वाली बात नहीं है, मैंने गाड़ी पूरी तरह से मॉडिफाई करवा ली है, पेट्रोल वेट्रोल फुल है, और हम लोग सही तरीके से कर लेंगे। तो मैं यहाँ से तो गाड़ी नहीं निकल पा रही है, मैं एक काम करता हूँ आगे से घुमा लेता हूँ, यहाँ से घुमा लेता हूँ, ये सही लगता है मुझे। माइकल का घर तभी बड़ा पसंद है कि यहाँ से अगर गाड़ी अटकी हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे देख लो माइकल कितना ज़्यादा अमीर हो गया है, इसकी यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पर चलो यहाँ से निकलते हैं, अब ड्राइवर के पास चलते हैं, पहले गलती से ठोक दी, सॉरी माइकल भाई। ड्राइवर के घर की तरफ निकलते हैं जल्दी से। तो ओके, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ड्राइवर के घर के पास, इसकी पार्किंग ये कहाँ पर खड़ा है, मैंने इससे बोलता बाहर आ जाइए नीचे। अच्छा ठीक है, ये किसके साथ खड़ा है, पागल ही है एकदम, सनकी तो है ये। चल आ जाओ ड्राइवर, जल्दी से बैठ जा कार में। तो ड्राइवर ने बिना देरी करे, आज पता नहीं कैसे इसने देर नहीं करी, आज सही टाइम पर आ गया, लगता है इसे गाँव जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो चलते हैं यहाँ से, अब जल्दी से निकलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हाईवे से चल लेते हैं हम लोग, वहाँ से डायरेक्ट इसके गाँव की तरफ निकल लेंगे। माइकल और ट्रेवर की यहाँ पर लड़ाई हो रही है इस बात पे कि तूने हमें क्यों ऐसी बातें बताई। अब हमारा मन भी कर रहा है जाने का और हमें डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ट्रेवर कह रहा है डरने वाली कोई बात नहीं है जब हम तीनों एकदम साथ हैं तो। और फिर माइकल कहता है ट्रेवर से चिल्लाते हुए कि हाँ हम लोग साथ तो हैं, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर ट्रेवर एकदम से कहता है कि नहीं यार क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी गाड़ी एकदम मॉडिफाई करवा रखी है तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। तो मैंने बता दिया हाँ मैंने फुल मॉडिफाई करवा रखी है, गाड़ी एकदम धोखा नहीं देने वाली है, बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो गाइस आप लोग देख रहे हो मैं हाईवे की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ से इसका गाँव की साइड स्टार्ट हो रही है जाते जाते। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बस रात हो जाएगी मुझे तो यही लग रहा है।
ओके गाइज, आप लोग देख सकते हो क्या सीन हो रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर रात हो चुकी है और यहाँ पर गाड़ियाँ आना निकलना जाना आना सब बंद हो चुकी है। ये लोग कौन खड़े हैं भाई साहब, इन लोगों ने तो डरा दिया मुझे एकदम से। भाई साहब मुझे लगा यहीं पर सिलेंडर मैन है, ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है यार, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, मुझे इन लोगों के झंझट में नहीं पड़ना, मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ। और आप लोग देख ही रहे हो यार, यहाँ तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बंद हो चुकी है, एकदम से ही बंद हो गई यार। यहाँ पे क्या ही हो रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा सच में, पता नहीं क्या ही सीन हो रखा है। चल रहा हूँ मैं आगे, मैं बहुत डर डर के चला रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है इतनी जल्दी, वो भी शहर के मुकाबले। यहाँ पर गाँव के साइड में वैसे यहाँ पर घर है, यहाँ पर हम लोग अगर बच सकते हैं तो हम यहाँ पर भी आकर रुक सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है यहाँ पर हमारी कोई हेल्प करेगा, तो मैं आगे ही बढ़ा लेता हूँ। ये गाँव स्टार्ट हो चुका है ड्राइवर का यहाँ से। तो गाइज यार, यहाँ पर ये ट्रक वाला मुझसे कह रहा है कि आप लोग आगे मत जाओ मत जाओ, ये टाइम सही नहीं है आगे जाने का, मैं भी बच बचा के आया हूँ वहाँ से। लेकिन ड्राइवर कह रहा है नहीं, हमें आगे जाना है। आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है यार, जल्दी से मैं गाड़ी भगाता हूँ यहाँ से और जल्दी से पहुँचता हूँ और हम लोग निकल लेंगे यहाँ से जल्दी से। मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ मैं, बस मैंने यहाँ से लेफ्ट ले लिया है, आप लोग देख ही पा रहे हो। बस ये सिटी है अभी, ये गांव के साइड से। अब मैं हाईवे की तरफ से ना आकर मैंने बीच में से लिया है रास्ता देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जब तक रात हो गई पूरी। तो गाइज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और ड्राइवर और माइकल कह रहे हैं कोई नहीं यहाँ तक आए तो हम आगे भी चल रहे हैं, मेरी तो हालत ही नहीं हो रही आगे जाने की, और फिर भी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। अब जल्दी से मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ, ये एकदम सुनसान हो रखे रोड यार, एक भी कार वाला नहीं दिख रहा। मैं खेतों में ले लेता हूँ, ड्राइवर मुझसे कह भी रहा था कि खेतों से होते चलेंगे, खेतों में कर लिया है मैंने गाड़ी को, चलते हैं आगे यार। यहाँ तो एकदम ही सुनसान, शिट यार मेरी गाड़ी को कुछ ना हो जाए यार, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हमने मेन गाँव में एंटर कर चुका है, यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ, अब सीधे चलना है बस मुझे कैसे भी करके। ये पटरियाँ, यहाँ पर पटरियाँ नहीं, नहीं यार गाड़ी भी इनको बचा के चलानी पड़ेगी, पटरी पर नहीं रखनी हमें गाड़ियाँ। तो गाइज़ मैंने कार हटा चुकी है पटरी से, यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ मैं अपनी कार को, और ड्राइवर कह रहा है यहीं रोक देते हैं, हम यहीं पर वेट करते हैं। यहाँ पर लाइट वाइट भी चल रही है, हम बच भी सकते हैं शायद कोई अगर होगा तो, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले गन निकाल लेता हूँ, गन मेन है यार सबसे ज़्यादा। माइकल निकल पहले, सबसे पहले तू, गन निकाल लेता हूँ मैं, और इन दोनों को भी मैं गन दे देता हूँ, वरना ये लोग क्या करेंगे फिर। अब यहाँ पर मुझे बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, और ड्राइवर कह रहा है डरने वाली कोई बात नहीं है। तो गाइज़ मैंने इन दोनों को गन दे चुकी है यहाँ पर, पता नहीं क्या ही सीन हो रखा है, थोड़ा आगे चल के देखता हूँ। एक मिनट, ये कौन है, ये तो आराम से चलते हुए आ रहा है, कौन है ये, तो सिलेंडर मैन है। ओ भागो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो जल्दी से। शिट यार, ये तो सिलेंडर मैन निकला है यार। शिट यार, मैंने ड्राइवर को इसलिए मना किया था कि मत चल, हो सकता है ये सच बात हो। वैसे सॉरी यार, मैंने ही कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है यार, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, चलो चलते। अबे यहाँ पर आ चुका है, भागो यहाँ से यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या कर रहे हो तुम दोनों, मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन की पटरी पे भागता हूँ, क्या पता इस जगह ना आए। चलता हूँ मैं जल्दी से आगे, आगे चलता हूँ। शिट यार, ट्रेन को भी अभी आना था क्या यार। शिट, ट्रेन यहीं पर आ रही है गाइज, और ये दोनों कहाँ रह गए हैं, कि सिलेंडर मैन ने ले, हाँ चलो ये मेरे साथ ही हैं। जल्दी आओ यार तुम दोनों, क्या करूँ क्या, मैं एक काम करता हूँ साइड पहुँच जाता हूँ। ओ भाई साहब, गाइज इसके लिए तो एक लाइक बनता है ना, कितना सही के। ठीक है यार, हो जाता है, अब नहीं करूँ। ठीक है सॉरी गाइज, अब नहीं करूँगा, अब चलते हैं जल्दी से। कहाँ कैसे, ओ शिट, ये तो यहीं आ रहा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से यार, ये तो मेरे पीछे भाग जाता है हमेशा। और ये दोनों कहाँ पर छुप गए हैं, इन लोगों का सही है यार, इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया यहाँ पे। चलो कोई नहीं यार, सही है, वो दोनों सेफ है, दो मैं काम करता हूँ नीचे आ जाता हूँ, क्या पता नीचे ना आए। पर यार ये तो भूत है, हर जगह आ रहा है, यहाँ से छलांग मारता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, मैंने यहाँ पे छलांग मार चुकी है अच्छे से। अबे निकल फ्रैंकलिन, चलो चलो निकल चुका हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ही कहीं छुप जाता हूँ, क्या पता ना आए। तो गाइज मैं यहाँ पर आकर आराम से छुप चुका हूँ, ये सिलेंडर मैन यहाँ भी आ गया यार। शिट, कहीं यहाँ तो नहीं आ रहा है मेरे पास, हाँ ये मेरे पीछे ही आ रहा है, जल्दी भाग फ्रैंकलिन, भाग 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 जल्दी भाग। शिट यार, बच गया मैं, बच गया, बस जस्ट बचा हूँ इसके हाथ से, वरना आज मैं गया था। अरे जल्दी कूद कूद यहाँ से जल्दी यार, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा है भाई, चले जाए यहाँ से यार, सॉरी आज के बाद नहीं आऊँगा कभी भी, होते हैं भूत मान लिया आज। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ छुपने की, क्या पता है नहीं ढूंढ पाया मुझे ये। चलो मैं यहाँ पर सही छुपा हूँ, अबे ये तो फिर आ गया, भाग फ्रैंकलिन, भाग भाग जल्दी भाग यार, जल्दी भाग यार, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ, गन अंदर रख लेता हूँ, तब तेज भागूंगा। अब सही है, अब सही भाग रहा हूँ मैं, एकदम पहले से ज़्यादा सही भाग रहा हूँ। ये देखो ये हमारे पीछे अभी भी आ रहे हैं, जल्दी से बैठो कार में, ये दोनों मुझे मिल चुके हैं, अब जल्दी से कार में बैठो यार, जल्दी बैठो यार, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तुम दोनों क्यों इतने आराम से काम करते हो। चलो मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से, बस ये आना जैसे सिलेंडर। चलो सबसे अच्छी बात है मेरी कार एकदम सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जल्दी से निकल लेता हूँ मैं पटरी से, मैं नीचे उतार लेता हूँ यहाँ पर, देख लूँ ये आ रहा है सिलेंडर पर नहीं आ रहा। अरे ब्रेक भी नहीं लग रहा यार, ये क्या हो गया इस कार को, ब्रेक लग, हाँ सही है, अब देखता हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे लगता है गया ये।
पर कोई नहीं, हमें तो फिर भी जाना ही है। देखता हूँ यार, अभी तक तो दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ओ शिट, ये तो आ गया यार, ये तो कितना पीछा करेगा भाई, माफ़ कर दे यार, अब नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ड्राइवर खुद अपने गाँव में नहीं आएगा, जाने दे हमें यहाँ से। चलो सबसे अच्छी बात है हमारी कार को कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम लोग यहाँ पर बहुत बुरे फंस जाते। बस हमें सिटी तक पहुँचना है, कैसे भी देखो वहाँ पर लाइट जल रही है ना, आप लोग देख ही पा रहे हो, वो सिटी है। बस हम वहाँ तक पहुँच जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। और बस हम एंटर करने ही वाले हैं सिटी में, बहुत आराम से एंटर कर लेंगे यार हम, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, हम यहाँ से भागते चलेंगे और उसने भी हमारा पीछा करना छोड़ दिया है। तो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो, फाइनली हम लोग बच चुके हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें यहाँ पर बिल्कुल भी। तो चलते हैं यार गाइस, अब सीधे लॉस एंडोस की तरफ, अपने घर की तरफ निकल लेते हैं हम लोग। ओ शिट, ये यहाँ पर भी आ गया, सिटी में कैसे आ गया ये? ये एक मिनट, ये पक्का वही है ना सिलेंडर मैन? हाँ ले, तुझे तो अब बताऊँगा। अब आ जा बेटा, कार है अब हमारे पास, आ जा आ जा, तुझे रुक रुक रुक, एक मिनट रुक जा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ये ले, आया मज़ा और लेगा। चल छोड़, अब जा रहा हूँ मैं यार। ये सिटी में कैसे आ गया यार, इसने तो एकदम से डरा दिया। गाइस अगर आपको डर लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो अभी हमारे पीछे पीछे ये आगे कैसे आया हमारे? शूट यार, जल्दी से भगाता हूँ यार, अब बहुत डर लग रहा है मुझे इससे। ये हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा है? ड्राइवर ने तो कहा था कि सिटी में हमारे पीछे नहीं करेगा, ये तो आ रहा है। एक सेकंड, क्या करना चाह रहा है हमारे साथ? देखूँ जरा हमें क्या करना चाह रहा है। ये तो हमारे पास, ओ शूट, जल्दी भगा जल्दी भगा ड्राइवर। यार मैंने ड्राइवर को गलत कार्ड दे दिया, ड्राइवर कह रहा है कि हम लोग इससे बात करके देखते हैं कि ये लोगों को क्यों परेशान करता है। बैरे का जल्दी से भगा ले, तू कभी आ जाइए अकेले में, हमें सेफ पहुँचे। और माइकल भी कह रहा है हाँ हमें जाना है, जल्दी से यार लॉस एंडोस की तरफ निकल लेते हैं और सुबह हो जाएगी हमें जाते जाते, तब तक सब ठीक हो जाएगा। और ये लोग यहाँ पर अभी भी खड़े हुए हैं, अब जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं, हमें किसी का वेट नहीं करना। तो गाइज हम लॉस सेंटोस में आ चुके हैं, अब एकदम अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, देखो कितनी चहल पहल है। या मज़ा तो यहीं पर आता है अपने लॉस सेंटोस में, कहीं भी चले जाओ। तो जल्दी से पहले मैं ड्राइवर को उसके घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि माइकल बोल रहा है कि उसे थोड़ा डर लग रहा है, तो वो मेरे साथ ही रहेगा। और मेरा भी ऐसे ही है, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैंने बोला माइकल तू मेरे घर ही चल ले। और ड्राइवर को अगर हम बुलाएंगे तो किसी एक के घर ही जा पाएगा, इससे अच्छा हम दोनों एक दूसरे के साथ रह लेते हैं माइकल और मैं। तो ड्राइवर उसके घर छोड़ देते हैं, इसे तो डर लगता नहीं है बिल्कुल भी, ये पता नहीं क्या सन की खोपड़ी का है, ये भूतों से भी लड़ने को तैयार रहता है। वहाँ पर बताओ गाँव में बात करने को कह रहा है भूत से, हम लोग की यहाँ इतनी ऐसी तैसी हो चुकी थी। तो चलो जल्दी से इसे घर छोड़ देते हैं, फिर हम अपने घर निकलेंगे। तो गाइज मैंने ड्राइवर को उसके घर छोड़ दिया, माइकल और मैं निकलते हैं मेरे घर पे जल्दी से और आराम करेंगे वहाँ पे। और ड्राइवर भी अभी आराम ही करेगा, वो बोल रहा है बहुत ज़्यादा थक गया है सैर करके अपने गाँव की। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एंड जरूर देखना, बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है, एंड जरूर देख कर जाना इसका, एकदम एंड प्लीज़ गाइज। तो जल्दी से बस मुझे यहाँ से, हाँ यहाँ से मुझे चलना है, तो मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ जल्दी से, फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा माइकल के साथ। और माइकल बोल रहा है उसे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर मैंने उससे बोला अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हम पहुँचने वाले हैं बस अपने घर और आराम से वहाँ रहेंगे, और फिर दो दिन तक हम कहीं नहीं निकलने वाले घर से बाहर, हम आराम से रहेंगे। तो देखो गाइस मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं, बस यहां से मुझे ऊपर जाना है, ऊपर के साइड फिर पहुंच जाएंगे, फिर कोई अब डरने वाली बात है नहीं, अब कोई भूत हमारे पीछे नहीं है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, अब मैं यहां खड़ी नहीं कर रहा, यहीं पर खड़ी रहने देता हूं, अंदर खड़ी नहीं कर रहा। आ जा माइकल, चल रहे हैं फिर नीचे, चल रहे हैं जल्दी से, जल्दी आ जा, हाँ उतर गया ना, चल आ जा जल्दी नीचे, चल रहे हैं। तो गाइस अभी छोड़ के मत जाना वीडियो को, लास्ट तक देखना, अभी मैं नीचे चल लेता हूँ। और ये चौप तो यहाँ पर यही करता रहता है हमेशा, पूरा घर गंदा रखता है। मैं नहा लेता हूँ जरा, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, फिर ऊपर चलते हैं जल्दी से नहाकर। तो गाइस अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आजा माइकल चल ऊपर चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और देख लेते हो वीडियोज़ को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल भी सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, वीडियोज़ पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी गेन नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ गाइज। और मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ। और अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो एडवेंचर वाली, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़ ऐसी। अब जल्दी से माइकल को ऊपर लेकर चलता हूँ, थोड़ी वाइन पीते हैं और फिर आराम से हम लोग रेस्ट करेंगे। वाइन भी नहीं पी रहा यार, मन ही नहीं है कुछ भी पीने का। तो जल्दी से आ जा माइकल, यहाँ थोड़ी खुली हवा ले लेते हैं, कल से एकदम बिछा बिछा सा लग रहा है हमें कार के अंदर। तो माइकल भी यहाँ पर आ चुका है मेरे पास, अब यहाँ पर हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है हम, यहाँ पर कोई सिलेंडर मैन नहीं आने वाला भूत।